सभी को मेरा नमस्कार। आज जालौर विधानसभा की और 36 कोम के सर्व समाज की बैठक रखी गई थी। इसमें 36 कोम के और सर्व समाजों ने ये निर्णय लिया है कि जालौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव करने के लिए मुझे तैयार किया गया है। तो आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं, आपने पार्टी में कोई पदभार ले रखा है पहले से? बिल्कुल, मैं पार्टी में मूल संगठन में जिला मंत्री हूँ, मैं पार्टी के साथ बगावत नहीं कर रही हूँ। ये जो सर्व समाज ने मुझे उतारा है, 36 कोम ने उतारा है, मुझे बीजेपी की तरफ से ही उतारा है। पार्टी ने जोगेश्वर जी को टिकट दिया है, लेकिन 36 कोम ने पार्टी की तरफ से मुझे उतारा है। नहीं, 36 कोम ने उतारा, आपने पार्टी के संगठन में ऊपर स्तर से बात की है? पार्टी से बात नहीं हुई है, नहीं, मेरे पास किसी का फोन आया था, जिलाध्यक्ष जी का मेरे पास फोन आया था। जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सोच समझ के आप लड़ा। मैंने जिलाध्यक्ष जी को कहा कि मेरा एक कोई व्यक्तिगत मेरा निर्णय नहीं है, निर्णय 36 कोम का है, जो 36 कोम निर्णय लेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। पार्टी के दम पर आप कितनी बार चुनाव जीत चुकी हैं पंचायत? मैं पार्टी के दम पर एक बार चुनाव जीती हूँ। 2015 से जिला परिषद सदस्य 20 तक में रही हूँ। अभी मैं लगभग 1.5 साल से जिला मंत्री हूँ मूल संगठन में। इस बार भी दावेदार आपके अलावा भी और भी थे, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काबिल हूँ, बाकी जैसे जोगेश्वर जी को पार्टी टिकट दी है वो काबिल नहीं है? वो मैं काबिल नहीं है जोगेश्वर जी, वो बात मैं नहीं करूँगी। मुझे 36 कोम का सहयोग मिल रहा है और 36 कोम ने मुझे चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। मैं, मेरा निर्णय नहीं है व्यक्तिगत, मेरा निर्णय नहीं है या किसी एक जाति विशेष का निर्णय नहीं है, ये सर्व समाज का विषय है कि आप निर्दलीय उतरे आप मैदान में। जोगेश्वर गर्ग को अगर टिकट नहीं मिलती तो आप चुनाव उतरते क्या? जोगेश्वर जी को टिकट नहीं मिलती, टिकट मुझे मिलता तो मैं पार्टी की तरफ से तो थे ही नहीं, नहीं मिलती और आपको भी नहीं मिलती जी, किसी तीसरे को टिकट मिलती तो आप? मेरा कहना ये है भाई साहब कि जोगेश्वर जी को छोड़ के भले किसी नए चेहरे को टिकट दे देती तो मैं मैदान में नहीं उतरती। मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी कई सालों से एक नए चेहरे खूब दे, तो उसको मौका तो मिलना चाहिए नए चेहरे को। तो किसी एक व्यक्ति को भले किसी को, मैं कोई विशेष नाम से नहीं कह रही हूँ भाई उस व्यक्ति को मिले, लेकिन किसी नए चेहरे को या स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलता तो मैं मैदान में नहीं उतरती। पार्टी का कहना है कि जोगेश्वर गर्ग टॉप लीडरशिप में है, जिस प्रकार से अन्य नेता है उस हिसाब से उन्होंने मुख्य सचेत बढ़ाया था विधायक दल का, तो उसी आधार पर उन्होंने टिकट दिया। वो सही बात है, लेकिन 36 कोम का निर्णय है, टॉप लीडर तो पार्टी में है और मैं भी मानती थी और मानती हूँ अभी भी, लेकिन अब सर्व समाज ने, पार्टी ने जोगेश्वर जी को कई बार मौका दिया है, लेकिन बार बार जोगेश्वर जी तो किसी और नए मौका तो मिलना चाहिए। जोगेश्वर जी को खुद को कहना चाहिए, विशेष है इतने बड़े नेता है, लीडरशिप है, तो उनको खुद को कहना चाहिए कि इस बार तो किसी नए व्यक्ति को मौका दो और आप ऊपर की राजनीति करो। बार बार ये विधानसभा में आप कर रहे हो तो दूसरे दलों के आपके पास कॉल आए हैं क्या? बिल्कुल, सब दलों से मेरे पास। आप केवल निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और? किसी पार्टी से नहीं, मैं केवल निर्दलीय। 36 कोम के लोगों ने आप पे भरोसा क्यों किया? आप कह रहे हो मेरे को समर्थन ये दे? आपने वैसा, मैं आपसे कह रही हूँ कि 1.5 साल पहले एक सुराना मैटर हुआ था और मैं कई सालों से तैयारी कर रही हूँ। लगभग मेरे को हो गए 15 साल से मैं राजनीति में, और मेरा परिवार 1990 से राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी में है। 1995 में मेरे सासू जी को टिकट मिला था छोरा और मैंगलवा से डेलीगेट का टिकट। उस समय वो ऐसा नहीं था माहौल, तो सीट जीत नहीं पाई, लेकिन टिकट जरूर पार्टी ने दिया था। 2015 में मुझे टिकट मिला जिला परिषद का, मैं 3100 वोटों से जीत दर्ज की थी। और उसके बाद भी जो ये आप कह रहे हो उसका मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक 36 कोम की तरफ से एक मैदान में उतरी हूँ। नहीं तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 36 कोम ने आपको उतारा जी, आपकी इच्छा थी कि नहीं थी? बिल्कुल, मेरी इच्छा तो 36 कोम ने बढ़ाई है, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन 36 कोम ने कहा है कि टिकट हमारी 36 कोम की भावनाओं को पार्टी ने ठुकरा दिया है, तो हम 36 कोम चाहते हैं कि आप मैदान में। कैसे कह सकते हैं पार्टी ने जिस प्रकार से आपको जिला परिषद का सदस्य बनाया जी, उसके बाद आप संगठन में भी लगातार बिल्कुल रेगुलर टिकट कटने की वजह से आप पार्टी से आपने बगावत की है? मैंने बगावत नहीं की है, मैं तो आज भी कह रही हूँ मैं पार्टी में हूँ, लेकिन 36 कोम ने पार्टी में मेरे को उतारा है, मैदान में उतारा है। पार्टी ने तो अपना अधिकृत प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग को उतार दिया है, अब आप अगर निर्दलीय उतरेंगे तो एक तरह से बगावत की है। वो सही बात है, आपका कहना सही बात है, लेकिन मैं 36 कोम के साथ हूँ। यदि 36 कोम ने मना कर दिया होता तो मैं पार्टी के साथ बगावत नहीं करती, लेकिन 36 कोम ने उतार दिया तो फिर मैं मैदान में। नामांकन किस तारीख को तय किया आपने? वो नामांकन बाद में सोच विचार के आपको बताएंगे। अगर अब प्रेशर आता है पार्टी से
तो निर्णय बदलेगी या निर्णय आती वो 36 कुम का निर्णय है, मेरा खुद का निर्णय, मैं व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं ले सकती हूँ, 36 कुम का निर्णय है वो, 36 प्रेशर आता है तो 36 कुम की वापस बैठक करके उसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल बड़ी सभा बुलाएंगे 36 कुम की, बड़ी संभावना है कि अपना निर्णय वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकती हूँ, लेकिन 36 कुम कहेगी तो मैं ले सकती हूँ, 36 कुम के पीछे हूँ मैं, मेरा व्यक्तिगत नहीं कह सकती। ठीक है, हो गया।